सावन का महीना देवों के देव महादेव की उपासना का सर्वोत्तम माह माना गया है, क्योंकि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन के लिए चले जाते हैं तथा आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से सभी देवियां भी गुफाओं में एकांतवास के लिए चली जाती हैं। यानी सावन महीने में केवल भगवान शिव ही सृष्टि संचालन करते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण कई तरह से उपासना करते हैं। कोई मंदिर जाकर बेलपत्र और दूध अर्पण करता है तो कोई रुद्राभिषेक करता है, परंतु कांवड़ उपासना सबसे बड़ी उपासना मानी जाती है और इसलिए इन दिनों लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं। सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होती है जब कुछ दिव्यांग जन भी कांवड़ ले जाते हुए दिख जाते हैं। कांवड़ यात्रा करने वाले ये श्रद्धालु सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं, वह भी उपवास में रहते हुए। इसके बावजूद एक वर्ग विशेष और कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों को कांवड़ यात्रा से बहुत एलर्जी। सिर्फ कांवड़ ही नहीं, इन्हें हर एक हिंदू त्योहार से परेशानी है। उदाहरण के लिए सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए। कांवड़ यात्रा में आप चलिएगा, मैं दिखा दूंगा। 10 साल 12 साल 15 साल के बच्चे जो कांवड़ लेके जाते हैं, कांवड़ यात्रा में गांजा पीने का ट्रेनिंग, शराब पीने की ट्रेनिंग दिलाई जाती है। कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा इंजीनियर नहीं बन सकता, कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा IAS और IPS नहीं बन सकता, कांवड़ यात्रा से कोई बच्चा दरोगा नहीं बन सकता है। ये है सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर और यह वीडियो 2 साल पुराना है, जब उनका समाजवादी पार्टी से गठबंधन था। अब जरा यह ट्वीट देखिए जो कि कांग्रेस नेत्री ऋतु चौधरी का। इन्होंने लिखा कि किताबें उठाइए, कांवड़ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जरा सोचिए कि भारतीय राजनेताओं की मानसिकता किस कदर विकृत हो चुकी है। क्या यह लोग कभी ये बोल सकते हैं कि किताबें उठाइए, पत्थर उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या ये कह सकते हैं कि किताबें उठाइए, हज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? ये लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि सिर्फ हिंदू ही सहिष्णु है, वह कुछ नहीं बोलेगा। और यही नहीं, चुनाव आने पर यही हिंदू इन बातों को भी भूल जाएंगे और इनको ही वोट देंगे। कुछ लोग तो यह तक कहते हुए दिखाई देते हैं कि कांवड़ यात्रा करने वाले लोग अनपढ़, जाहिल, गंवार और बेरोजगार होते हैं, परंतु आज का यह वीडियो उन धर्मद्रोहियों के मुंह पर तमाचा है जो कांवड़ियों को जाहिल बोलते हैं। क्योंकि भारत ही नहीं, अब विदेशों में भी कांवड़ यात्रा का क्रेज बढ़ने लगा और इन विदेशी कांवड़ियों को देखकर ये तथाकथित बुद्धिजीवी निश्चित ही चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। तो आखिर कांवड़ यात्रा से इन्हें परेशानी क्यों है? किस देश में निकाली गई कांवड़ यात्रा, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का आदि साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेंद्र। दोस्तों, भारत के बाहर अब विदेशों में हिंदू संस्कृति का जोर शोर से विस्तार हो रहा है। हमने कई वीडियोस में आपको दिखाया भी है कि विदेशों में किस कदर होली, दीपावली, कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दशहरा आदि पर्व काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस सब के अलावा जगन्नाथ रथ यात्रा भी काफी धूमधाम से निकाली जाती है, परंतु इस बार विदेशी धरती पर पहली बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जापान की राजधानी टोक्यो में इस साल पहली बार कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई, जिसका आयोजन टोक्यो के फुनाबोरी स्थित इस्कॉन मंदिर ने किया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजधानी टोक्यो में बिहार व झारखंड के करीब 250 परिवार रहते हैं, जिनकी तरफ से बिहार झारखंड एसोसिएशन बनाया गया है। इस एसोसिएशन का उद्देश्य जापान में सभी त्योहार पर्व का आयोजन करना तथा भारतीय संस्कृति का विस्तार करना है। जापान में क्योंकि पहली बार इस कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है, इसलिए इस बार इस यात्रा में 50 कांवड़ियों ने भाग लिया। जापान में भारत के राजदूत CB जॉर्ज ने पारंपरिक तरीके से इसकी शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत से दूर अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार व झारखंड के प्रवासी बधाई के पात्र हैं। दोस्तों, कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले सभी कांवड़ियों ने 15 दिन पहले अपने हाथों से कांवड़ बनाई
और उसे सजाया भी। इसके बाद बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल मंगाया गया, जिसे सभी कांवड़ियों को दिया गया। इस्कॉन मंदिर में कांवड़ के विधिवत पूजा करने के बाद कांवड़ यात्रा की शुरुआत की गई और बोल बम के नारों से जापान की सड़कें गूंज उठी। सभी कांवड़िए पैदल चलते हुए करीब 90 किलोमीटर दूर साइतम स्थित शिव मंदिर पहुंचे, जहां पर सभी ने जलाभिषेक किया तथा भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव का यह मंदिर नेपाल व बांग्लादेश के लोगों ने मिलकर बनाया है। इस कांवड़ यात्रा में बिहार, झारखंड के अलावा नेपाल, बांग्लादेश तथा म्यांमार के लोग भी शामिल हुए। हालांकि यह अभी शुरुआत है, परंतु आने वाले दिनों में विदेशों में भी भव्य कांवड़ यात्रा देखने को मिलेगी। विदेशों में अब हर एक हिंदू त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाने लगा है और इसमें वहां के स्थानीय नागरिक भी बढ़ चढ़ कर शामिल होते हैं। परंतु भारत में चाहे रामनवमी हो, नवरात्रि हो या फिर कोई अन्य त्योहार, बिना पत्थरबाजी और वामपंथियों के ज्ञान दिए बगैर पूरा नहीं होता। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि विदेशों में जहाँ एक तरफ हिंदू धर्म लोकप्रिय हो रहा है, बढ़ रहा है, वहीं भारत में एक विशेष वर्ग तथा कुछ तथाकथित वामपंथी धर्मद्रोही हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे हुए। ऐसा ही नजारा इस बार बरेली में दिखाई दिया। जी हाँ दोस्तों, बरेली के बारादरी इलाके में रविवार को कांवड़ियों पर पत्थरबाजी की गई। पत्थरबाजी करने वाले कौन लोग हैं यह बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं समझदार हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो रामनवमी पर, गणेश उत्सव पर, दुर्गा विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी आवश्यक तौर पर करते हैं। परंतु हैरानी की बात यह है कि कानून की मार भी हमेशा हिंदू ही खाता है। बरेली के SP प्रभाकर चौधरी ने कहा कि घटना के वीडियो से पता चलता है कि पथराव दोनों ओर से किया गया है। जबकि कांवड़ियों के अनुसार पत्थरबाजी मस्जिद से शुरू की गई थी, यानी इनके अनुसार हिंदुओं पर जब कोई पत्थर चलाए तो वह चुपचाप खड़े रहें। गजब का कानून है देश में। जरा कोई इनसे पूछे कि ईद पर, बकरीद पर, रमजान या मुहर्रम में कभी कोई पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? अमरनाथ यात्रियों को सिक्योरिटी देनी पड़ती है, हज यात्रियों को क्यों नहीं देनी पड़ती? आखिर हिंदू कब तक पत्थर खाता रहेगा इस देश में? अगर यही हाल रहा तो वो दिन भी दूर नहीं जब हम अपने घरों में भी ना तो शंख बजा पाएंगे ना ही घंटी। फिर त्योहार मनाना तो दूर की बात है, हमें इस बात को समझना होगा कि कानून भी उसी की मदद करता है जो सही तरीके से प्रतिकार करने में सक्षम हो। अयोध्या का श्री राम मंदिर इसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए अभी वक्त है, संभल जाओ, वरना विदेशी धरती पर तो हिंदू संस्कृति का विस्तार हो जाएगा परंतु भारत में इसका लोप हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का यह वीडियो, क्या राय है आपकी, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।